दोस्तों कैसे हो खैरियत है ठीक है कैजुअल ड्रेस में ये देखें ये लिखा हुआ है पी जे पी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी एम 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 मुनसिफ़ मलिक मोहम्मद मुनसिफ़ अवान ये लिखा हुआ है ये हमने जस्टिस पार्टी की शर्ट्स वगैरह बनाई थी दोस्तों में तकसीम की हैं तो ये इस वक्त चूँकि शाम का टाइम है तो इसलिए यूनिफॉर्म के बग़ैर आप मुझे देख रहे हैं हालांकि मैं खड़ा दफ्तर में हूं <laughs> अच्छा जी वो है जी अपने ही नशे मन पे गिराते हैं हाय। सर जी हम की करिए अपने बंदे वो खिलाफ हो गए तो होएगा की दसो उस्मान डार के बाद सदाकत अबासी वाह जी वाह वाह आप इनको जो मर्जी दें, देखें सर जी बात ये है कि सदाकत अबासी का इंटरव्यू डान टीवी पे नशर हुआ है और डान टीवी की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो पूरी साफ साफी बरादरी मानती है वो कहते हैं जी जियो जी गलत हो सकता है दुनिया गलत हो सकती है लेकिन ये जो डान टीवी है ना ये नहीं हो सकता क्योंकि डान टीवी और डान अखबार जो है कैद आजम रहमत का अफ्तारह से चलाता है डान अखबार ये मशहूर है उस वक़्त का तो इसलिए एक दिन इंटरव्यू भी नहीं हुआ अब सदाकत अब्बास साहब आए हैं आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं क्या उसमें कोई सदाकत है कि नहीं सदाकत अब्बासी साहब की बातों में सदाकत है कि नहीं मसलन वो कह रहे हैं कि सर जी एक साल से हमारा ये बयानिया बना हुआ था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट um, हमारे खिलाफ है इसलिए हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करनी है ठीक है अब ये बताएं अगर सदाकत अबासी ये गान पॉइंट पे इंटरव्यू दे रहा है, तो क्या इमरान खान का जो व्यू है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है कि नहीं ठीक एक बात दूसरी बात यह है कि ये आसम मुनीर साहब जो आए हैं और इससे पहले कमर जवेद बाजवा भी ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਉਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਤਾ ਥਾ ਨਾ ਕਹਤਾ ਥਾ ਯਾਰ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਕਿਤਨੇ ਵਿਆਂ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 6 ਵਿਆਂ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਜਬਰਾਬ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਵਿਆਂ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ यानी कि जो ताकतवर होते है ना जी सर वैसे सौ होता है पांच बीस 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 करे ना सौ होता है लेकिन जिन्हे ताकतवर इमरान खान देखें सबको पता है कि इमरान खान फौज के खिलाफ चल रहा था और उसने ये बातें की हैं इंटरव्यू में भी की हैं और 9 मई के जो हमले भी हुए ना बाद में भी इमरान को टीवी वाले कहते रहे कि सर जी तरदीद करो तो वह कहता था तरदीद उसने नहीं की दस दिन तक नहीं की तो अब मुझे ये बताएं कि जो सदाकत अबासी कह रहा है जी एक साल से हमारा ये बयानिया चल रहा था मीटिंग में ये तय हुआ छ मई को यह तय हुआ सात मई को यह तय हुआ तो अगर आप कहते हैं गान पॉइंट पे है तो क्या ये इमरान का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो था या नहीं अब सब कहेंगे हाँ जी था तो फिर तो फिर गाल समझ जाओ ती समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है उससे पहले भी जो रेंजर्स ने इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था तो इमरान जो रेंजर्स के खिलाफ रैलियां निकली गालियां गलोच तो इमरान ने कहा था जी ठीक है अगर ये मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोग रिएक्शन में तो आएंगे ठीक फिर वो कोर कमांडर हाउस में जाने का क्या कोई तुक बनती थी ये कहते हैं जी नून लीग वाले थे ये वो हिसान न्याजी ने वहाँ पे पतलून लहराई अलीमा बाजी अलीमाबाजी बाजी डॉक्टर जासमीन राशिद ये सारे वहाँ पे ही नजर आई है ना आपको टीवी पे नजर आए तो भाई खोल के कहो कि ये हमने किया था हमने तो उस वकत भी कह दिया था कि इमरान खान बगावत कह लें या इनकलाब कह लें जो इनकलाब के हामी होते हैं ना वो इनकलाब कहते हैं जो उसके मुखालफ होते हैं वो बगावत कहते हैं पूरी दुनिया में ये होता है तो इमरान ने बगावत करने की कोशिश की जो फेल हो गई सीधी बात है वरना जनरल फैज़ हमीद के साथ मिल के अब ये देखे ना सदाकत अब्बासी ने भी यही बात की है उस्मान डार ने भी यही बात कि हमारे पास अंदर की खबरें आती थी कहाँ से आती थी फिर बताएं कहाँ से आती थी तो ये फैज़ हमीद वगैरह का ग्रुप है ना उसमें है और ये आसम का को इमरान खान ने डीजीसी के उहदे से हटाया है हटाया है कि नहीं हटाया हटाया क्यों कि उसने कहा था जी पिंकी पीरनी और उसके बच्चे करप्शन कर रहे हैं इमरान खान मैं आपको बता रहा हूँ तो इमरान खान ने उस वक्त को कहा था ठीक बाद में उसको उसके अहदे से हटा दिया तो ये अब इमरान ने ये जेन बना लिया और अब इमरान ही बार बार कहता है मेरे से फौज आके मुजाकर करे सियासी बंदे को ये चीज जेब नहीं देती बेशक सियासत फौज हमारी सियासत में है लेकिन खुले आम आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं आर्मी चीफ से पूछ के बताऊंगा ये सारी इमरान की वही तकरीरें हैं जो उसके अपने सामने आ रही हैं कि फौज मुझे तो कुछ नहीं कहती फिर इमरान को कहा गया कि जनाब फौज आपके फोन टेप करती है तो उसने कहा हाँ करना चाहिए वह फौज का जर्नल है कोई मुल्क के खिलाफ बातें हो तो पता हो वजीर अजम का फोन टेप होना चाहिए यह उसने कहा है कि नहीं तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जनाब हूं इमरान खान तो बुरा वक्त आ गया है इमरान खान खुले दिल से माने कि वो एंटी फौज एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे थे और मुराद सईद शबाज गिल जिसका नाम ये आज इन्होंने लिया है शीरी मजारी मुराद सईद शबाज गिल इनका ही नाम लिया है ना सदाकत अब्बासी ने और उस्मान डार ने भी इनका नाम लिया कि ये हाक्स थे हाक्स क्या होता है जुबैर हाक्स क्या होता है जो हमला करने वाले हाक्स है। एक 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 होते हैं एक हाक्स होते हैं जी एक, एक, जी। एक, एक, एक जो मस्किन होते हैं मेरी तरह वो क्या होते हैं वो डब्स होते हैं कबूतर कबूतर कह लें गुगिया कह लें जो मर्जी एक होते मेरी तरह हाँ वो हाक्स ये हाक्स एक ग्रुप था जो इमरान के ऊपर छाया हुआ था मान जाए इमरान इस बात को और वो आपके आप, आप विटनेस बन गए हैं बल्कि वो क्राउन विटनस बन गए अप्रूव्ड विटनस क्या होता है अप्रूव्ड वादा माफ विटनेसगवा बन गए हैं ते हूं जनाब आली तो कौन बचा सकते मैन दसो अपनों ने मुझे लूटा गैरों में कहा दम था मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था ये इमरान के साथ तो ये हुआ आज इमरान खान की एक और अप्लीकेशन आई है कि मुझे बेटों से मुलाकात कराएं। जेल सुबीडन ने कहा है कि जनाब हमारे रूल्स रेगुलेशन में ये नहीं है कि मुलजम या मुजरम की उनके बैरून मुल्क बच्चों से मुलाकात कराई जाए ये हमारे जेल मैनुअल में नहीं है नहीं है ठीक है ना जी ये हुआ है ये बहुत बड़ी खबर हुई है फिर जनाब याली एक और खबर आपको और इसके अलावा भी देते जाए कि उम्मीद पाकिस्तान हाँ जी जो नवाज शरीफ का जहाज़ है ना जो दुबई से उड़ के इधर आएगा उस वो स्पेशल जहाज है उसमें सारे नवाज शरीफ के दोस्त साथी उसके साथ आ रहे हैं उसका नाम ही लिख दिया है उम्मीद पाकिस्तान सर हम पहले भी आपको कह चुके हैं हम किसी शख्सियत के कायल नहीं हैं ना हम इमरान के मुखालिफ हैं ना नवाज शरीफ के हामी हैं हम पाकिस्तान के हामी हैं तो वो उम्मीद की किरण लेके आ रहा है जैसे पहले इमरान खान को लोगों ने उम्मीद की किरण बनाया ना वो उम्मीद की किरण पाकिस्तान के लिए तो नहीं बने हाँ मुराद सईद के लिए बन गए एक सौ अठारह अरब रुपए का घपला मुराद सईद ने की है मुवासलात में आपको पता है ना तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं उनका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है उम्मीद पाकिस्तान जहाज आ रहा है तो उसके लिए जनाब सारे लोग इस्तबालिया कैंप लगाएं तैयारियां करें अपने घरों में झंडे लगाए दफ्तरों में लगाए हर जगह करें हम पाकिस्तान के हामी हैं ठीक है तो वो आ रहा है तो मैंने तो ये नारा लगाया है जेल हो या बेल नवाज तो आएगा बेशक जेल चला जाए चला जाए बेशक जेल तो वो आ रहा है ठीक है ट्रायल फेस करे कानून को फेस करे उसके मुताबिक फिर चले हम पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और हम यही कहते हैं आज मरीम नवाज ने भी यही कहा है कि जब भी ये पाकिस्तान को डूबने लगता है नवाज शरीफ को ये बुलाते हैं और वो डूबते हुए पाकिस्तान को हर दफा उसने निकाल है तीन दफा है बिल्कुल ये बात आप गूगल पे नोट कर लें कि बीस सौ में पाकिस्तान का जीडीपी रेट और पाकिस्तान कितने नंबर पे था आपको पता है 24 नंबर पे था 24 नंबर पे और इमरान खान आया है तो पाकिस्तान नीचे गिरते गिरते कितने नंबर पे गया है? सैतालीस नंबर पे। ये मैं नहीं कह रहा ये गूगल कह रहा है आप गूगल करके देख लें वो तो किसी पार्टी का नहीं है ना। तो ये जनाब अली आपके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है और जो केस के हवाले से मैंने आपको बताया था खुशखबरी वो आज भी फैसला नहीं हुआ वो कल तक चला गया है इमरान जज अपने अपने मौकफ दे रहे हैं और इधर जनाब वो आइनी जज अलहदा हैं और हम ख्याल बंदयाल के जो लोग हैं वो हम ख्याल अलहदा हैं अब देखें कल क्या होगा अल्लाह जाने कौन बशर है खुदा हाफिज